कितने मीठे अमरूद हैं। शुक्रिया जग्गू। क्यों? मुझसे कहो ना, मैं निकाल देता हूँ पतंग। कालिया, ये काम जग्गू को करने दो, वो पेड़ चढ़ने में हम सबसे बेहतर है। जग्गू, जान जान जान, अभी लाया पतंग। मेरा पोता जग्गू पेड़ चढ़ने में चैंपियन। तुमसे बेहतर पेड़ चढ़ने वाले नील सैनिक कई सारे हैं हमारी पलटन में। जुम्बा रे जुम्बा। आप कौन है? आपको तो पहले कभी नहीं देखा। मैं नील सैनिकों का सरदार हूँ और जग्गू का दद्दू। मेरे दद्दू? मैं तो आपको नहीं जानता। इसलिए जानते नहीं क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही तुम हमसे अलग हो गए थे। मैं अब तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। वापस? मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। क्या तुमको नील सैनिकों के बारे में जानने की इच्छा भी नहीं है? हम तुम्हारे परिवार हैं। अगर तुम एक नील सैनिक हो तो तुम्हें दद्दू के साथ जाके उनके बारे में जानना चाहिए। पर हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। हाँ जग्गू, और हम सब तुम्हारे परिवार वालों के साथ खूब मस्ती करेंगे। हम घर पहुँच गए मेरे पोते। आ जाओ बच्चों। कितने सारे सारे नील सैनिक। हाँ दद्दू, मुझे यकीन हो गया कि मैं एक नील सैनिक हूँ। जुम्बा रे जुम्बा। वो क्या था दद्दू? हमारे पुराने दुश्मन गोरिल्ला फौज। गोरिल्ला फौज, युद्ध की तैयारी करो। जुम्बा रे जुम्बा। दद्दू, हम आपके साथ हैं। परेशान नहीं करेंगे। जुम्बा रे जुम्बा, जुम्बा रे जुम्बा। पहुंचने में मुझसे तो रहा।
पहुंचने वाले हैं। हम समृद्ध देश पहुंच गए। ये जर्नलिस्ट के देश से कितना अलग है। साथी हैं, हम सब ढोलकपुर से आए हैं। ओह, राजा इंद्रवर्मा, आपका स्वागत है। मैं इस राज्य का मंत्री जोना हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूँ। समृद्ध राज्य में हम सब इस अखाड़े को तहे दिल से चाहते हैं। हमारे मनोरंजन के सारे कार्यक्रम यहीं होते हैं। ये अखाड़ा तो बड़ा ही शानदार है। आइए मैं आप सबको राजमहल ले चलता हूँ। राजा सिल्वान आपका इंतजार कर रहे होंगे। महाराज, ये है ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा, राजकुमारी इंदुमती, भीम और इनके साथी। रोमी, बब्बर, जानी, ये हमारे मेहमान हैं। हमने आज तक शेरों को इतने पास से कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता हमें इन शेरों से डरने की कोई जरूरत है। सिर्फ समृद्ध के दुश्मनों को इनसे डरने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों समृद्ध शहर के रखवाले हैं। भीम, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई महाराज। हाँ?
दर्द ठीक कर सकते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अरे माफ करना, हम बातों में ऐसे उलझ गए कि मैंने आप लोगों को खाने पीने के लिए पूछा ही नहीं। आइए मेरे साथ। शुक्रिया राजा सेवन। जल्दी खाओ भोलू, इससे पहले कि उस्ताद सब कुछ खा जाए। महाराज, ये आपने ठीक नहीं किया। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये पीटू है। ये हमारे मनोरंजन की पूरी दुकान है। ढोलकपुर के मेहमानों को पीटू का सलाम। तुम सबके स्वागत में एक चुटकुला पेश है। अर्ज किया है, कागज पे लिखा है, गजल बकरी चबा गई, फिर चर्चा सारे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। ये चुटकुले मार रहे हैं ये मुझे। एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। Ha ha ha!
कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह। किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें। मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओ अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। तैयार हो राजू? बिल्कुल तैयार। फिर से? तुम बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मेरे घर की खिड़कियां तो तोड़ ही दी है और अब मेरे दांत तोड़ने पर तुले हो। ठीक है माँ, गुस्सा मत हो, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। आउट! अब मेरी बारी। हाथी की बगल में नहीं सोना चाहिए। चूहे उसके पेट में खेल रहे हैं और चोट हमें लग रही है। क्या कहा तुम दोनों ने? कालिया, तुमने हमारी बॉल देखी क्या? ओ, तो इस बॉल ने मेरी नींद खराब कर दी और ये बॉल तुम्हारी है। इसका मतलब तुमने मेरी नींद खराब की है। ये बॉल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। देख कालिया, चुपचाप से बॉल वापस कर वरना। अब ये बॉल तो तुम्हें एक ही शर्त पर वापस मिलेगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मुझे भी खिलाना पड़ेगा। और हमें भी। क्यों? तुम्हें क्यों खेलने दे हम? अरे राजू, और ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। हम चारों के खेलने के लिए तो जगह कम पड़ रही है, सब मिलकर कैसे खेल पाएंगे? तो ठीक है, सब मिलकर खेलने की सबसे अच्छी जगह ढूंढते हैं।
और हम यहाँ नहीं खेल सकते जग्गू, ये पेड़ बॉल को रोक लेंगे। और बॉल किसी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगी तो? थोड़ा और आगे चलते हैं, कोई अच्छी जगह जरूर मिलेगी। मैं तो थक गया, मुझे नहीं खेलना। पर उस्ताद, मुझे तो खेलना है। अरे ढोलू, आलसी लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम हार गए। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। चलाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। अगर देना ही नहीं था तो फिर पूछा क्यों? टमाटर की तरह लाल तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। हमारे लिए एक साइकिल बनाएंगे। सच? मुझ। जल्दी चुपकी, जल्दी बनाओ। ये पूरा हुआ। ये देखो राजू, मैंने तुम्हारी साइकिल का नमूना तैयार कर दिया है। कालिया और ढोलू इसके हिस्सों को लाएंगे और इसे बनाने में जग्गू भीम की मदद करेगा। राजू, बोटे फूट तो जरूर जाऊंगा और उस मन्नु को बताऊंगा। पर राजू, राजू, ये कहानी तो मैं बोटक फूट के बच्चे बच्चे को बताऊंगा। इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। उसे नदी के पार ले जाकर हमेशा के लिए अपना दास बना दूंगी। बच्चे, अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। इस भारी बस्ते को उठाने में ये लड़का थक जाएगा और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। तेरे दोस्त को वापस होश में ला। करोगे बच्चे? चिपकाना पड़ेगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। आ!
बहुत खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखे नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है पर शरीर शेर का। ओ, मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है तो ये लो। राजू, तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था। आर, आर। कौन गप्पा? चाट स्टॉल पास ही है, चलो जल्दी चलो सर। वो बाला देखो, उस गोलगप्पे में से दो बाल उगे हुए हैं। वही अपना राजू है। देखो बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। ए, क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर कुछ नहीं। राजू को गोल गप्पे से वापस राजू बनाओ। गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगाकर करता हूँ। लड्डू का शौक।